कोरोना काल के बाद एक बार फिर से कटनी नगर में दंगल आयोजित किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के कई जिले सहित यूपी छत्तीसगढ़ के जिलों से आए पहलवानों ने अखाड़े में अपना दम दिखाया। महिलाओं लड़कियों के कुश्ती देखने वालों की ओर जीत हार के बाद पहलवान आपस में मिलते हुए देखे गए। आयोजन स्थल पर मध्य प्रदेश पुलिस के अभिमन्यु अभियान का भी जिक्र कोतवाली प्रभारी ने किया, जिसमें महिलाएं लड़कियों के साथ लिंग भेदभाव न किया जाए और समाज में हो रहे दुष्कर्म अपराध को रोकने और अच्छे नागरिक बने। कार्यक्रम में क्षेत्रीय मुड़वावा विधायक संदीप जायसवाल भी मौजूद रहे। कोरोना के बाद बहुत सी चीजें अव्यवस्थित हो गई थी, उसके पहले लगातार चाहे बच्चियों की चाहे बच्चों के कुश्ती से लेके अनेक खेलों के आयोजन हम लोग द्वारा कराए जाते थे। अत्यंत खुशी की बात है, जिला कुश्ती संघ और कटनी टेंट एंड लाइट एसोसिएशन और बारडोली फ्यूचर फाउंडेशन और समस्त हमारे सभी सहयोगियों के द्वारा एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, उसके लिए हम सबको बधाई। यही काफ़ी संख्या में हमारे लोग एकत्रित हैं और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं का अभियान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक महोदय और अधीक्षक यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुरुषों को जागरूक करने हेतु महू अभिमन्यु कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो अभियान है, इस अभियान के तहत पुरुषों को जागरूक किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्वयं भी अपने विचारों को बदलें, लिंग भेद ना करें, रूढ़िवादिता ना रखें, नशे से दूर रहें, नई चीज़ों पर उनको समझाएं। धरा कटनी के मामले में संपूर्ण हिंदुस्तान में बड़ी अग्रणी संस्था रही। कटनी में बड़े बड़े पहलवान आए, पुराने अतीत समय में किंग लाल दारा सिंह रामा पहलवान जैसे पहलवानों ने कटनी में शिरकत की है। बहुत ही इनको आगे बढ़ाते मास्टर सिद्धगी राम बड़ा बबुआ छोटे बबुआ कानपुर और हमारे कटनी के पहलवान गंगाराम विद्यार्थी सियाराम पहलवानों ने बड़े कटनी का नाम रोशन किया। कुछ समय बीच में विरक्ति हो गई थी, इसको पूर्ति करने के लिए पुणे कुश्ती को जिंदा करने के लिए कटनी टेंट लाइट एसोसिएशन बारडोली फ्यूचर फाउंडेशन एवं जिला कुश्ती संघ अथक प्रयास से आज यह आयोजन किया गया। इस आयोजन में ग्वालियर आगरा भिंड आपके कानपुर लखनऊ इटावा आगरा और चित्रकूट जबलपुर सीहोर इंदौर और कटनी नरोजाबाद के पहलवानों ने शिरकत की। हमारी बच्चियों ने भी आज अच्छी कला का प्रदर्शन किया है। निसंदेह आने वाले समय में जैसा विधायक जी ने बताया जनवरी फरवरी में एक बड़ा राज्य स्तरीय आयोजन होगा। अब कटनी में ये आगाज हो गया है, अंजाम और बड़ा होगा।